चुनावी साल में हिमाचल प्रदेश में नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि जयराम सरकार ने फिजूल खर्चे के चलते आज प्रदेश को कंगाली की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीते 4.5 सालों में 13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाते ही प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रचार के लिए बेतहाशा फिजूल खर्ची कर रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अफसरों पर पकड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 7 मुख्य सचिव और 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदले गए हैं। जयराम सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक 4-सीट कमेटी बनाई है जिसमें पूर्व चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री राजेश धर्माणी उसके चेयरमैन हैं और उसके साथ 4-5 सदस्य और हैं। निश्चित तौर पे जो जल शक्ति विभाग में पाइप खरीद घोटाला हुआ है और हिमाचल प्रदेश में बाहर के 2 बड़े ठेकेदारों को ही काम दिए गए हैं उसका भी जो है 4 सीट में मेंशन किया जाएगा। और जल शक्ति विभाग में ये भी बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2007 में हमने हर गांव में हर घर में पीने का पानी पहुंचाया है, पूरी मात्रा में पहुंचाया है। अब जल जीवन मिशन के तहत अब ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में पीने का पानी था ही नहीं लोगों को। ये लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं महेंद्र सिंह को बताना चाहता हूं, महेंद्र सिंह जी 2007 में सब घरों को पीने का पानी उपलब्ध था और उचित मात्रा में था। और एक बात और है, जो उन्होंने गाड़ी पर टैक्स लगाया था ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का 56 लाख रुपए मैं कैबिनेट में ले गया, मैं आईपीएच मिनिस्टर था तो मैंने वो पैसा जो है वो टैक्स पानी का जो बिल था वो मैंने माफ कराया सारे गांव के क्षेत्र में। ये तो अभी भी बिल दे रहे हैं। मैं जयराम से पूछना चाहता हूं कि आप 4.5 साल तो आपने ना महिलाओं को 50% का फायदा दिया बसों में, ना आपने बिजली का कोई दिया, अब आपकी जाने की टर्न आ गई है, आप सत्ता से बाहर हो रहे हैं, इसलिए प्रलोभन दे करके हिमाचल के लोगों को जो है आप जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिवाली के कगार पे खड़ा कर दिया है। 47,000 करोड़ हमारा था जब हमने दिसंबर 2017 में छोड़ा था, उस वक्त 10 साल प्रोफेसर धूमल के थे, 6 साल सांता कुमार के थे, कुल मिलाकर के तब भी 47,000 करोड़ था। आपने तो जयराम जी 47,000 करोड़ से अभी 70,000 करोड़ पिछले महीने तक पहुंच गया है और जब तक आप सत्ता से बाहर होंगे तब तक शायद 75 और 80,000 करोड़ तक आप पहुंचा देंगे। आपने हिमाचल प्रदेश को दिवाली की फिजूल खर्ची बढ़ाई है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कोई आपने ध्यान नहीं किया, इस प्रदेश के बेहतरी के लिए विकास के लिए कोई काम नहीं किया और कहा मेरी एक मंडी में एयरपोर्ट बनाना, बोइंग उतरे, मेरा ड्रोन प्रोजेक्ट था, मेरी जिद है, कहाँ गई आपकी जिद, कहाँ गया ड्रीम प्रोजेक्ट, एक पैसा आप ला नहीं सके। कहता है 5 बार मुख्य प्रधानमंत्री को मैं हिमाचल लाया, लेकिन प्रधानमंत्री आए उनका स्वागत है, वो देश के प्रधानमंत्री हम स्वागत करते हैं, लेकिन जयराम जी आपने क्या मांगा प्रधानमंत्री से, क्या दिया प्रधानमंत्री ने, आपने तो करोड़ों रुपए उन पर खर्च कर दिए, एंटरप्रेन्योर मीट धर्मशाला की आपने करोड़ों रुपए खर्च किए, कितनी इंडस्ट्रियां यहाँ जमीन पे उतरी है हम ये पूछना चाहते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है। इसलिए एक लोग जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, विकास के काम हिमाचल प्रदेश से ठप है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसलिए मुझे ये है कि अब हिमाचल की जनता इनसे दुखी हो गई है और निश्चित तौर पर जनता ने मन बनाया है कि भाजपा को हराना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है।